के पॉली क्लिनिक कतिरा में 4 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आज समापन किया गया। समापन के मौके पर मरीजों का कई तरीकों का जांच किया गया, साथ ही साथ हर्निया हाइड्रोसील के साथ अन्य बीमारियों का ऑपरेशन भी किया गया और साथ ही साथ मरीजों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया गया और बताया गया कि कोरोना वायरस केवल सतर्कता इसमें बरता जाए तो इससे दूर रहा जा सकता है। पर डॉक्टर ने कहा कि इस तरीके का शिविर आगे भी आने वाले दिनों में आयोजित किया जाएगा जिसमें हर तरीके के मरीजों का इलाज वो भी निःशुल्क दिया जाएगा। आज जो भी अभी तक रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उसमें हर्निया के हैं, हाइड्रोसील के हैं और एक मरीज पथरी का है, इन लोगों का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। अभी जांच के प्रक्रिया में है, उनको जांच के लिए हमने दिया है, जांच पड़ताल हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन करेंगे। और जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज और उनके परिवारजन हैं, सबों को हमने अभी जो महामारी फैली है उसके बारे में बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखना है, हाथ धोना है और मास्क लगाना है, खांसी बुखार ये सब चीज़ किस तरह का चीज़ हो तो मास्क लगाना है और सबको इस बारे में जागरूकता के लिए हम लोगों ने बताया। और हाँ, इसके अलावा भी बीच बीच में हम लोग कैंप करेंगे ताकि उसमें गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में बहुत सारा हो जाता है, कुछ लोगों का जांच पड़ताल भी हो जाता है और कुछ लोगों का जिनको पैसे के चलते इलाज नहीं हो पाता है उनका इलाज भी हो जाता है। तो बीच बीच में हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तो चूँकि कोरोना के चलते हम लोग भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं, नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग आए थे सबको बताया गया, ये एक बेनिफिट हुआ कि सबको जानकारी दिया गया कि कैसे बचाव करना है, अपना जानकारी ही बचाव है, इसीलिए ज़रूरी था सबको हम लोग इलाज से ज़्यादा अभी ज़रूरी जो है वो हाँ जन सामान्य को बताना कि कैसे आपको सुरक्षित रखना है अपने आप को और समाज को।